तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अन एकेडमी एसएससी रिजल्ट चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, भी मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया हैं। और जैसा आपको पता है कि हमारी 30 डेज 30 मॉक की जो सीरीज चल रही है, जो आपके एसएससी रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वो क्वेश्चन को डील करते हैं जो क्वेश्चन क्या है भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम लेते हैं। बाकी तो ये क्या रहेगा, मॉक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब जितना भी हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ होती है क्लास की, वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। कहाँ पर? ये एजुफॉर टेक का चैनल है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। बाकी क्या है कि क्लासेस का आपको टाइमिंग जैसा पता है कि नॉर्मल जो शेड्यूल होता है ये मंडे टू सैटरडे, तो आपका यही फॉलो होता है। ठीक है, संडे में क्या होता है, भी एजुकेटर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चीजों को वेरी कर लेता है ताकि आपका कोई लॉस ना हो और आपकी क्लास चलती रहे। ठीक है, तो मेरी जो क्लास होती है नॉर्मली वो 8 बजे होती है रात में। ठीक है, और आज ये वाली क्लास मैंने 10 बजे ली है ताकि भी आपको कोई भी तरीके से कोई भी लॉस देखने को ना मिले। ठीक, उसके अलावा क्या है यहाँ पर आपके पास में, आपको पता है कि यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है जो 19 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रनिंग में है। और आपके पास में दो ऑफर चल रहे हैं, एसएससी एक्सटेंशन ऑफर है बेसिकली। अगर ऑफर नंबर 1 की बात करते हैं तो आप यहाँ पर 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और 6 मंथ क्या मिलेगा आपको, एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। मतलब ये सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। दूसरा जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके पास में है कि अगर आप ऑफर 2 के साथ में जाते हैं, जिसमें क्या है कि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या होता है, एडिशनली फ्री होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप कितना यहाँ पर सेव कर सकते हो। उसके बाद में क्या है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि मतलब अनअकैडमी के आप कोई भी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो श्योरिटी बन जाती है कि यहाँ भी आप सिलेक्शन के बहुत ही ज्यादा करीब हो, और सिलेक्शन भी होगा जैसा हम लोग गाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर एजुकेटर गाइड करता है वैसा वैसा आप चीजों को टैकल करिएगा, उसके साथ चलिएगा। यहाँ पर 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, इसके आपके पास में CHSL बैच है, लक्ष्य को टारगेट किया गया, और एक CPO बैच जो क्या है आपके पास में एम बैच है। और नोट्स वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं, ऐप के साथ में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया शानदार कंटेंट मिलता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी यहाँ पर फैकल्टीज होती हैं वो क्या है भी अपने आप में क्या है, यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो क्या करेंगे, हर कैटेगरी को पढ़ा रही है। टेलीग्राम के लिए आप क्या कर सकते हो भी, यहाँ पर ये एजुफॉर टेक का चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आप एक्सेस कर सकते हैं सारी पीडीएफ क्लासेस। चलिए, भी जैसा आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन के सामने है, सॉरी, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 111 लिखा है। मैं आपसे पूछूं कि 111 का डबल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 222 होता है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि 222 का डबल कितना होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है हमारे पास में 444। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि 444 का डबल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 444 का डबल 888 होता है। तो मैंने कहा वो भी ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सीरीज में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डबलिंग हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्या आंसर होगा सोचो, बताओ जल्दी से जरा। देखो यहाँ पर अगर 16 लिखा हुआ है और 16 से 112 बनाना है, और यहाँ पे 15 लिखा है, 15 से 105 बनाना है,
18 से 128 है यहाँ पर, और 17 से आपके पास में कितना है, 119 है। तो आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर हिंट ले सकते हो क्या, कि 16 का अगर हम 7 गुना करते हैं तो 112 आता है, 15 का हम क्यों क्या करते हैं अगर 7 गुना करते हैं तो 105 आता है, 17 का भी 7 गुना करते हैं 119 आता है, लेकिन 18 का 7 गुना करने पर आपके पास में 128 नहीं आता है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला ऑड पेयर हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बताओ इसका आंसर। चलिए इसमें बस आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा ऑड है बेसिकली। तो आप प्लेस प्लेस वैल्यू लिख लिया करो, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये 9 हो जाएगा आई का, डी का 4 है, इसका 1 है और इसका कितना है, 25 है। ठीक है, और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो अभी देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर कितना है, एस 19, ये 14, ये 10, ये 8, 17, 12, 8, 6, 22, 17, 13 और 11। ठीक, तो हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। अब आप देखो क्या है कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, 5 की कमी हुई है, 5 की कमी, 5 की कमी, यहाँ भी 5 की कमी है, नहीं यहाँ पर 3 की कमी है, यहाँ पर 4 की कमी है, यहाँ भी 4 की कमी है, यहाँ पे भी 4 की कमी है। फिर ये हमारे पास में क्या है, 27 भी हो सकता है, 2 की कमी, 2 की कमी, 2 की कमी और 2 की कमी। तो कौन सा डिफरेंट आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर सब में आ रहा है 4-4 का, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, आप प्लेस वैल्यू लिख दो बस यहाँ पर, सॉरी प्लेस वैल्यू नहीं, यहाँ तो क्या है आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग से है ना, तो पी एल आई जी एच और टी, वो इन्होंने लिखा है जे एम क्यू यू आई और एच। पहले इनकी हम लोग लिखते हैं पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 16, 12, 9, 7, 8, 20, ये कितनी है, 10 है, 13 है, 17 है, 21 है, 9 है और कितना है, ये 8 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं अगर देखो शुरू के 3 को पकड़ता हूँ और यहाँ भी ये शुरू के 3 को ले लेते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन चार इन 3 को भी रख लेते हैं बैक साइड से और इन 3 को भी हम बैक साइड से ले लेते हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई 1 से ये क्या हो रहा है, 10 हो रहा है 9 से, ये 16 से 17 हो रहा है, 12 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, तो सब में क्या हुआ है, प्लस 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, जी से कितना हो रहा है, एच हो रहा है, मतलब 7 से 8, 20 से 21 और 8 से 9, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 1 ही हो रहा है। तो आपको क्या नजर आ रहा है, सब में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या होना चाहिए, 3-3 के पार्ट कर लो, ऐसे करके हमने इसको ब्रेक कर लिया, कैंडल में ये अलग कर दिया। अब बस आपको यह करना है, n का प्लस 1 करोगे तो 14 में प्लस 1 करोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब O से स्टार्ट होगा, तो ये आंसर बनेगा नहीं। ठीक है,
उसके बाद में क्या है कि ये वाला बनेगा आपके पास में डी, और बीच में क्या आएगा बी, तो ओ बी डी होगा, तो ये हट जाएगा, ओ बी डी दो है हमारे पास में। उसके बाद में देखो कि लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आपके पास में प्लस के वन के साथ में ई आएगा, लेकिन यहाँ पर एम लिखा है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हाँ बिल्कुल सही है मुकेश, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए बेसिकली इसमें क्या है कि आपका टाइम लेता ही लेता है, अभी 60 सेकेंड में मतलब क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपने सोचा भी करो। जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस को, तो मैं अगर पहली इक्वेशन में यहाँ पर प्लस लगा दूंगा और यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है, और दूसरा क्या है 2 की जगह 4 कर देंगे, 4 की जगह 2 कर देंगे। अब आप खुद देखो कि ये 5/2 हो जाएगा और × 4, तो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये 5/2 × 4, तो ये कितना हो गया 2 से, तो ये 10 बनेगा। इतना पूरा इक्वेशन 10 बन रही है, उसमें से 2 निकालोगे तो कभी 80 पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वन ऑप्शन तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पर आप प्लस कर दो और यहाँ पर माइनस कर दो, फिर जहाँ पर 2 लिखा है वहां पर 4 कर दो, जहाँ पर 4 लिखा है वहां पर 2 कर दो, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास में क्या चेंज आ रहा है, बॉड मास के अकॉर्डिंग ये तो 4 ही हो गया, और ये कितना हो गया 14, 14 और 4, 4 और इसमें से घटाओ तो माइनस, 14 में से 1 बचेगा तो 13 आ रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो क्या है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है मुकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। कितना आ रहा है देखो, ये 215 लिखा हुआ है और ये 231, तो बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है 15 और 16 कितना होता है, 31 होता है। फिर मैंने देखा कि ये आपके पास में 31 है और ये आपके पास में 56 है, और ये जो गैप है आपके पास में ये 25 का गैप है, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ 56 लिखा है, यहाँ पर 92 लिखा है, और ये गैप आपके पास में कितना आ रहा है, ये आ रहा है पूरा का पूरा 36 का। तो ये हमारे पास में 4 का स्क्वायर होता है, ये अपने पास में 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा 49 होगा, क्योंकि ये क्या है 7 का स्क्वायर है। तो इसमें जब हम 49 ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 341 ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। वेरी गुड, इसका आंसर था सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बनाओ। चलिए भी देखो यहाँ पे आप चेक कर लो जो पहले लिखा है, क्योंकि रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर कहीं पे भी पहले एस लिख गया तो आपका उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, कह रहे हैं कि भी ई का रिलेशन एल के साथ में, तो आपको यहाँ तक चेक करना है, एम को चेक करने की खैर जरूरत है नहीं। तो
देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या बन रहा है। पहले आपने डिवाइड लगाया, डिवाइड का मतलब क्या है, वाइफ। तो ई क्या है भी, वाइफ है। किसकी वाइफ है आपके पास में, एफ की वाइफ है। तो एफ यहाँ पर मेल हो जाएगा। उसके साथ में मल्टीप्लाई लगाए जे के बीच में, तो इसका मतलब एफ इज द ब्रदर ऑफ जे, तो ये जे का भाई हो जाएगा। ठीक है, फिर जे के साथ में क्या लगाया, एल लगाया प्लस का। प्लस का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, कांगे ये रख डॉटर। तो इससे अभी कुछ नहीं पता है, ये हमें पता है कि जो है जे किसकी डॉटर है। हाँ, जे डॉटर है आपके पास में किसकी, एल की। जे डॉटर है किसकी, एल की। तो पूछ रहे भी एल का रिलेशन इसके साथ में, ई के साथ में क्या होगा। तो अभी देखो क्या कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये फादर होना या मेल होना है, तो उसके लिए एक और क्लियर करना पड़ेगा जेंडर इसका। तो ये समझ में आ रहा है कि एल इज द फादर ऑफ एम, तो एल किसके फादर है भी, वो एम के भी फादर है। तो ये फादर मतलब प्लस हो गया। प्लस का मतलब क्या है कि ये क्या है, मेल पर्सन है। तो ई का रिलेशन इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये फादर इन लॉ बन जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री, फादर नहीं, फादर इन लॉ। क्यों, क्योंकि आप खुद देखो ना कि ये किसके पापा हैं, भी ये एफ के पापा हैं, जे के पापा हैं और एम के पापा हैं, लेकिन जो एफ की वाइफ है वो उसकी क्या लगेगी, पापा लगेगी, फादर इन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या लॉजिक आपको मिला, देखो ये 396 लिखा हुआ है और यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, ये 672 है और यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। देखो 24 है, लेकिन 24 का स्क्वायर तो भाई काफी ज्यादा हो जाएगा, 576 हो जाएगा, और यहाँ पे कुल 396 लिखा है। एक काम करो, इस 24 में से मैं 4 माइनस कर दूं तो 20 होता है, मैं 20 का स्क्वायर कर दूंगा तो 400 होगा, उस 400 में 4 माइनस कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, यहाँ पर 396 मिल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 4 निकाला, फिर उसका स्क्वायर किया, और उसके बाद में मैंने यहाँ से 4 माइनस कर दिया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर 30 में से पहले क्या करूंगा, 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 26। 26 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 676। उसमें से 4 माइनस करूंगा तो 672 आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास में क्या लिखा हुआ, अभी 28। तो 28 में से पहले 4 माइनस करूंगा तो 24 आएगा। 24 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। फिर उसमें से 4 माइनस करूंगा, 572 बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड मुकेश। इसमें क्या लॉजिक चल सकता है, देखो ये 8 लिखा हुआ है, 496 है, और ये 9 लिखा हुआ है। ये मुझे इतना तो थोड़ा समझ में आता है कि अगर मैं 8 का क्यूब करता हूँ तो वो 512 के पास में पहुंचता है। ठीक है, 512 के पास में पहुंचता है। वहीं मैं अगर 9 का क्यूब करता हूँ तो वो कितना आता है, 729 आता है। इतना तो हमें समझ में आता है, मतलब हम इनके नियरेस्ट तो पहुंच चुके हैं। अगर हम नियरेस्ट पहुंच चुके हैं तो अब हम लोग क्या करें, कुछ माइनस करें कि 496 बन जाए। तो देखो ये जो गैप आ रहा है आपके पास में वो कितना आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं 16 से माइनस कर दूं तो ये 16 से माइनस करने पर आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 496।
ये जो 16 है वो ना, हो सकता है कि ये जो 8 लिखा है इसका मैंने डबल किया होगा और इसमें से माइनस किया होगा, तो क्या मैं यहाँ पर कितना 711 लाने के लिए मुझे अब यहाँ से 18 ही माइनस करना पड़ेगा, तो 711 बनेगा। दैट मीन्स कि जो 9 लिखा है मैंने इसका ही डबल किया होगा, तो मुझे क्या मिला होगा, ये 18 माइनस किया होगा तो 711 यहाँ से आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझको चाहिए 204, तो 204 का मतलब मेरे पास ऑप्शन ऐसा है जो क्यूब करने पर 200 के आसपास पहुंचा है, वो होता है 216। तो 6 का अगर क्यूब करता हूं तो 216 आता है, उसमें से 12 माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिल जाता है, 204। तो देखो ये बिल्कुल मीट कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ लॉजिक यही लगाया मुकेश। चलिए इसमें बस आप लॉजिकली सोचा करो, है ना, ऑप्शन नंबर 1 के साथ में अगर आप जाते तो आप देखो कि ये इक्वल टू कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, तो ये इक्वल टू यहाँ पर आता है, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस लगाते और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते और यहाँ पर डिवाइड लगाते, तो डिवाइड के हिसाब से क्या होता है, ये 48 × 12 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से 6 बार जाता है, ये कितना होता है 48, ये तो 48 होता, और ये कितना है आपके पास में 47, और उसमें 15 माइनस करोगे तो कभी 48 नहीं बनेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन बता रहे हो, हाँ 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 प्लस का 15 माइनस का 3, क्या 44 के इक्वल आ रहा है, 12 चौक 32 प्लस 12, सही है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो आप एक काम करो, 25 और 56 का सम कर दो, जब 25 और 56 का सम करूंगा तो ये 81 आएगा, इसका अंडर रूट ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा, जो हमें मिल रहा है 20 वाला। 13 और इसका आप सम करो, 13 + 183, ये कितना आ रहा है आपके पास में, 196, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो बीच में 14 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस यही चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर में बैठ रहा है फिर। ठीक है, तो मैं अगर इसको चेक करता हूँ, 42 लिखा है, देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, सम करने पर बहुत बड़ा हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में, बन रहा है नहीं, फिर आप देखो कि 19 और ये है 53, तो भाई 10 है तो 23 का तो बनेगा नहीं, फिर 7 है और ये 8 है, ये एक बार को हो सकता है, कितना बन रहा है, 225 आ रहा है, और 225 का भी कितना होता है, यही होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, सही। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी डेली क्लासेस आपकी जो चल रही है सीरीज की, टेलीग्राम, ये वाला टेलीग्राम में आप इस पर जाकर क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ क्या बता रहे हो भी इसका आंसर? देखो है तो बेसिकली ये एरो ही आपके पास में, और अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाना चाहोगे तो भी इसका सही बन जाएगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर मैच नहीं करेंगे, कहीं पर कुछ चेंज कर दिया है, कहीं पर आपके पास में कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है, ये इस तरीके से सिम्बॉलिक चेंज कर दिए, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया मुकेश, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैया आज 1 बजे से आपकी क्या है नॉन वर्बल की क्लास होनी है, ठीक है, मैराथन सेशन है 1 बजे, तो उसमें हम लोग ये सारे चीजें डिस्कस करेंगे फिर से। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिरर इमेज आपने थोड़ा सा इसको सही से देखा होगा, तो आपके पास में ये पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, जैसे ये वाला सेम है, जैसा का जैसा ही था वैसे ही बन गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता ही रहेगा, ठीक है। ये शेडिंग ऊपर बदल गई है तो, और ये वाला एलिमिनेशन क्या हो गया, घुमा दिया गया है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ देखो जो गाइड होता है वो आपको क्या करता है, भी हेल्प करता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, इंस्ट्रक्टर काम भी ये होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड कराता है, मेंटर भी ये करता है एक तरीके से आपको गाइड करता है, लेकिन ये जो मिस्ट्रेस है, ठीक है, ये तो क्या है भी आपके पास में कोई ऐसा गाइड पर्सन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पर आपको 18 के पास जाना है, तो छोटा नंबर चाहिए होगा, बड़ा नहीं चाहिए होगा, हालांकि मुझे बैक टू बैक 2 डिवीजन मिल रहे हैं, तो अगर मैं देखूँ भी तो भी 11 के बाद में प्लस का 42 है, डिवाइडेड बाई 2 है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर भी इसको डिवाइड किया जा रहा है इसके साथ में, तो जब हम क्या करेंगे भी यहाँ पर एक और डिवाइड लगा दोगे तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पास में कहाँ पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ भी डिवाइड लगा रहे हो आप, यहाँ भी डिवाइड लगा रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, 2 को डिवाइड करोगे तो ये ऊपर 7 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, जो क्या होगा यहाँ से 21 बन जाएगा, 21 की गुणा आप 7 से करोगे तो नंबर 18 के पास नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर मैं सेकेंड ऑप्शन के साथ में जाता हूँ तो 17 - 11 होता है, ठीक है, उसके बाद में प्लस का यहाँ पर 42 है, फिर यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया है और माइनस डिवाइडेड बाई 7 किया गया है। अच्छा ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ये पूरा का 6 से चला जाएगा और ये 12 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो 17 और प्लस का 1 कितना आ रहा है आपके पास में, 18 बन रहा है, जो बिल्कुल राइट मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, फटाफट बनाइएगा, मुझको नहीं लगता कि इसमें आपको टाइम लगना चाहिए। हाँ भी एप्पल का कोड हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे, हाँ क्या समझ में आया आपको, देखो मैं अगर यहाँ पर एक बार लिख के आपको दिखाता हूँ, MANGO को मैंने लिखा है 13, इसको 13 लिखा गया है,
इसको दो लिखा गया है, इसको 42 लिखा गया है, इसको जी, जी क्या है भी हमारे पास में 28 लिखा है, और ओ कितना लिखा है 75 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या महसूस हो रहा है कि m जो है वो तो 13 इस प्लेस वैल्यू होती है, तो उसकी 13 ही लिख दिया है। a का हमने एक होता है तो a का हमने डबल किया होगा तो 2 आया होगा। n आपके पास में क्या है 14 होता है, ठीक है, 14 का आपने 3 टाइम्स किया होगा तो ये, फिर g क्या होता है ये 4 टाइम्स किया होगा, और ये 15 का 5 टाइम्स किया है। मतलब हो क्या रहा है कि जो भी प्लेस वैल्यू है पहली बार में 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद में 2 से, उसके बाद में 3 से, उसके बाद में 4 से, और उसके बाद में 5 से। तो हमें एप्पल लिखना है, तो एप्पल में पहली बार तो क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन आपका चला गया। ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास में क्या रह गया, अब p कितना होगा भी, 16 का डबल करोगे तो 32 आएगा, 16 का 3 बार करोगे तो 48 आएगा। तो देखो 48 वाला ये तो 24 है तो ये आंसर बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा जो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए इसको बनाइए जरा। कह रहे हैं कि कोई भी गेस्ट आपके पास में ट्रेंड नहीं है, हटा दो यहाँ से सिंबल, सारे के सारे ट्रेंड क्या है वो एम्प्लॉय है, और कुछ एम्प्लॉय आपके पास में क्या है टॉल है। ठीक है, ये वाला क्या है ट्रेंड को शो कर रहा है। ठीक, कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि कुछ टॉल्स हमारे पास में क्या है ट्रेंड है, कुछ टॉल्स हमारे पास में ट्रेंड है, टॉल ये है ट्रेंड ये है, तो कुछ 100% तो वैसा ही नहीं है, तो इसको आप 100% नहीं मानोगे। सम एम्प्लॉयज आर ट्रेन, कुछ एम्प्लॉय आपके पास में ट्रेन है, हाँ ये हमारे पास में 100% वेरी करता है। कोई भी टॉल गैस नहीं है, टॉल और गैस के साथ में कोई रिलेशन दिया हुआ था नहीं दिया था, तो ये टॉल गैस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये बात हर बार सच हो। तो एक ही ऑप्शन आपका वेरीफाई कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, देखो आंसर तो बन गया होगा खैर आपका। अगर आप 18 में क्या भी सर, लास्ट क्वेश्चन एक बार और बता देता हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, ये वेन डायग्राम तो आपने बना लिया होगा, कह रहे हैं कि जो गेस्ट वाला है ये तो गेस्ट वाला है, और ये जो ट्रेन है ये कोई भी, इनका कोई आपस में रिलेशन है नहीं। फिर कह रहे हैं कि सारे के सारे ट्रेन आपके पास में एम्प्लॉय है, ठीक है, और एम्प्लॉय के साथ में क्या है कुछ स्टॉल का रिलेशन आपको दे रखा है। अब आपको बस ये देखना होता है कि 100 में से 1% भी अगर आपने बोल दिया कि ये बात आपकी सही नहीं है, तो वो 100% ट्रू नहीं होता। कंक्लूजन का मतलब होता है कि 100% आप श्योर हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट कंक्लूजन लिखा है कि सम टॉल आर ट्रेंड, टॉल देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, और ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक मैंने डायग्राम ऐसा बना रखा है जिसमें ट्रेंड और टॉल के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बात 100% सही नहीं है। हो सकता है 99% आप सच बोल रहे हो। आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और डायग्राम बनेगा तो मैं ऐसा दिख सकता है,
लेकिन हर बार ये डायग्राम नहीं बनेगा, इसीलिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया होगा एडमी, बस इसमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके देखो कौन सी इक्वेशन आपके पास में करेक्ट नहीं है, वो ये कह रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या रखा, माइनस कर दिया और यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, बॉड मास के अकॉर्डिंग ये 6 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 4 हो जाएगा। 10 में से अगर आप क्या करते हो माइनस का 40 करते हो तो माइनस का 30 आएगा, जिसकी वजह से ये वाला गड़बड़ हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया था। चलिए चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी बेहतरीन आपके सीरियल के लिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एक बढ़िया सीरीज चलाई जा रही है। टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी सेशन की। चलिए क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को, पहले एक मुझे बताओ, अगर नहीं है विजिबल तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। दिख रहा है, चलो फिर बनाओ अगर दिख रहा है तो, वैसे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो बना लो, कोई बात नहीं है। देखो इसमें वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, आपको दिख रहा है सर्कल यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगली फिगर में पक्का यहाँ पर पहुंचेगा। तो सर्कल देखो कहाँ पर है, एक तो ये वाले ऑप्शन में है और एक फोर्थ वाले ऑप्शन में, इनमें दोनों में से हट चुका है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर दो लाइन थी, फिर तीन लाइन हो गए, ट्राइंगल बन गया, फिर चार लाइन बन के स्क्वायर बन गया, अब क्या बन जाएगा आपके पास में, पेंटागॉन। पेंटागॉन इसमें नहीं है, पेंटागॉन किसमें, फोर्थ वाले में, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल क्लास नहीं हो पाएगी आपको रात में 8 बजे, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे को कहीं आउट ऑफ टाउन जाना है, तो कल कोई क्लास नहीं होगी अनअकैडमी पे, ठीक है मेरी। चलिए देखो इसमें क्या है कि आप पहले एल को चेक करने का कोई फायदा तो है नहीं, आप चेक करो एस और टी से, तो मतलब जेड से चेक करते, जेड होता है हमारे पास में 26, ठीक है, ये 24 है, ये 22 है, तो दो कम होने के साथ में 20 वाला बनेगा, जिससे एस वाला तो हट जाएगा, ये हट गए। अब आर आएगा या क्यू आएगा ये हमें चेक करना है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, तो अगला 17 होगा, तो क्यू आएगा ना कि आर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड मुकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट करिएगा इस क्वेश्चन को, 20 सेकंड्स का टाइम आपके पास में। चलिए भी बना लिया होगा आई थिंक आपने, कह रहे हैं कि आपको बताना है ये जो 14 लिखा है इसका अपोजिट क्या होगा। देखो ये 14 यहाँ पर हमें पूछा है, पहले आप क्या करोगे कॉमन देखोगे, तो ये आपके पास में 10 है और यहाँ पर भी 10 है, ये तो 9 है और ये 11 है, तो बस पकड़ के ये करना है आपके, रोटेशन प्रोवाइड कराना है। तो देखो 10 आपके पास में होगा, फिर ये 11 होगा, फिर यहाँ पर कितना है 13 है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास में, पहले 10 आएगा और उसके बाद में 14 आएगा, तो 14 का अपोजिट कितना हो गया 11, तो 11 वाला कहां पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
ऑन एवरेज जो है कि मैं कोशिश करता हूँ कि 40 क्वेश्चन कम से कम आपको एक हर एक टेस्ट में मिलेगा। तो 40 × हमने 9 कर लिए, तो लगभग 360 हमारे आज होके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 360 क्वेश्चन इसी तरीके से ये 30 दिन तक चलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। चलिए चेक कर लेते हैं। ए के साथ में ए लिखा है, ए के साथ में ए लिखा है, और ए के साथ में आगे ए ही लिखा है। कह रहे हैं कि पी को हमें बताना है कि ब्रदर होना चाहिए किसका, आर का। तो पी का ब्रदर आर है, मतलब पी आपके पास में एक जेंडर होगा, वो भी मेल पर्सन होगा। ठीक है, आर के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। मेल कहाँ पर मिलेगा आपको, बस मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, मतलब पी के बाद में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन तो आपका हट चुका है। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा बन सकता है, ब्रदर है। दूसरा क्या है कि ब्रदर के लिए कोई जेंडर गैप नहीं। देखो क्यू क्या है, डिवीजन लगाया ना मैंने फादर, तो क्यू अगर फादर बन रहा है तो आर पी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर किताब किताब खराब हो जाएगा, चाचा बन जाएगा, तो भाई तो बनेगा नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, पी ब्रदर है किसका, क्यू का, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर। तो क्यू किसकी सिस्टर है, आर की। तो यहाँ से हमारे पास में श्योर हो गए कि पी ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या लिखा है, प्लस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई। हाँ यहाँ से भी बन सकता है, पी किसका भाई है, भी यहाँ पर आपके पास में आर का भाई है, और आर के बाद में मल्टीप्लाई, मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ से भी बन रहा है। तो भी दोनों ही ऑप्शन आपके वेरीफाई हो रहे हैं, है ना। तो सेकंड और फोर्थ दोनों ही बन रहा है हमारे पास में, तो सेकंड और फोर्थ दोनों ही बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर से आपको अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है CHSL में, उसमें आपको मिल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने को मिल रहा है, कभी ट्राइंगल फाइंड करने को मिल रहा है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन भयानक वाला नहीं आ रहा है, सिंपल वाला आ रहा है कि आप उस पर आराम से डील कर सकते हो एग्जाम टाइम में। चलिए कितने हुए भी आपके काउंट करके देखो, पहले आप क्या कर लो, नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 मेरे पास तो वैसे ही हो गए सिंगल सिंगल। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, डबलिंग करते हैं। तो डबलिंग में क्या हो जाएगा, 1+2 हो जाएगा, 2+3 हो जाएगा, 3+4 भी हो जाएगा, चलेगा ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ से कितने बन चुके हैं, 3 बन गए, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। वर्टिकल देखोगे तो 1 और 5 आएगा, और 4 और 6 भी हमारे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ से कितने आ चुके हैं, 2 और ये आ गए। ठीक है, अब आपके पास में क्या रह गया, अब आप 3 वाले देखो, 1+2+3, ये आपके पास में 1 बन जाएगा। सिमिलरली 2+3+4, ये भी आपके पास में 1 बन जाएगा। फिर आपके पास में 1 बनेगा, 1+2+3+4, यहाँ से भी 1 मिलेगा। कितना हो गया आपके पास में, फर्स्ट बता रहे हो 6, और ये 3 9, 9 2 11 12 13, और ये 14। उसके अलावा तो कोई और नहीं बन रहा है ना, और हालांकि हमने मैक्सिमम भी फाइंड कर दिया है, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए इसको आंसर बताओ जरा, ये आपके पास में भी है। ध्यान रखना है कि मिरर कहां पे रखा हुआ है, भी इसके बॉटम पे रखा हुआ है, बॉटम पे। तो एक तरीके से इसको मिरर भी बोल दो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर इमेज के नाम से जानते हैं। तो आंसर बता रहे हो ऑप्शन नंबर 1, 4। हाँ देखो, ये आपके पास में बन तो रहा है ये सी, लेकिन ये सी ने गड़बड़ कर दिया। सी चलो ऐसे ही दिखेगा, ए आपके पास में है, एल एल कैसा होना चाहिए था, अभी ऊपर को एल बनना चाहिए था, इसकी वजह से ये हट गया आपके पास में। फिर क्या है भी आपके पास में, ए डी, डी आपके पास में क्या हो रहा है, जैसा बन रहा है वैसा बनेगा ही बनेगा। ये एफ गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, हाँ इसीलिए ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, ये बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है पिछले वाला था। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं हमारे पास में, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो
क्या बन रहा है इसका? चलो बना लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं कि जितने भी बियर हैं वो सारे के सारे रैबिट हैं, तो यहाँ पर हमने बियर कर दिए, जितने भी बियर हैं वो सारे के सारे रैबिट हैं, ठीक है, यहाँ पर रैबिट डाल दिया। फिर बोल रहे हैं कि सारे के सारे आपके पास में रैबिट हैं वो क्या है, डॉग है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डॉग को बना दिया। और आगे बोल रहे हैं कि कुछ डॉग आपके पास में कैसे हैं, भी ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। ऐसे कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोलता है हमारे पास में कि सम रैबिट आर ब्लैक, रैबिट कहाँ पर है, ये रहा, ब्लैक क्या है ये, क्या ये कंक्लूजन हर बार फॉलो करेगा? हर बार तो फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये तो गड़बड़ हो गया। सम डॉग आर बियर, बियर नहीं होगा, आई थिंक ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक ही है, ठीक है, ये ब्लैक होगा, ठीक है। यहाँ पर भी भालू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, काला हो जाएगा, ठीक है। या तो या फिर कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ब्लैक की जगह वो बियर नहीं है, वो बियर नहीं है, बियर की जगह आप क्या पढ़ लो ये, तो कुछ मिस्टेक हुई है, खरगोश काले हैं, हाँ ठीक है। तो टू एंड थ्री, हाँ टू और थ्री वाला फॉलो करेगा, ऑल बियर ब्लैक आर डॉग, नहीं, अरे 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 मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ भाई, बियर भी है यहाँ पर और ब्लैक भी है, दोनों है, दोनों है भाई, दोनों है भाई, यहाँ तो दोनों थे ना, ठीक है ठीक है। कुछ ब्लैक आपके पास में डॉग है, तो ये वाला कुछ का हो गया, हाँ सही है ना, ठीक, मैं अपने आप कंफ्यूज हो रहा था। हाँ कुछ डॉग आपके पास में बियर है, कुछ डॉग आपके पास में बियर हो सकते हैं, ऑल बियर आर डॉग, ये भी हो सकता है, तो दो और तीन वाला फॉलो कर गया, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, ठीक है। वो सही था, पता नहीं मुझे क्यों काले और उसमें बियर में कंफ्यूजन होने लग गया था। चलिए कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बता रहे हो आंसर? थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे हमारे। ये लिखा हुआ है एक, ये लिखा है तीन, ये लिखा है पांच, तो अगला क्या होगा, सात, सात से जी बनेगा, जी बन चुका है ये वाले, और अच्छा ये आठ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो बस सेकंड चेक करना है, ये दो हो जाएगा, ये पांच है, ये आठ है, तीन का गैप, तीन का गैप, तो तीन के गैप के साथ में ग्यारह, ग्यारह का मतलब के वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और लाइक कर सकते हैं बिल्कुल आप वीडियो को, और टेलीग्राम के लिए आप ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम पर वीडियो मिल जाएंगी। जब कपड़ों को कहाँ रखते हैं भी, कोठरी में रखते हैं, तो गन को कहाँ रखोगे, अलमीरा में रखोगे, बुलेट में रखोगे, चेस्ट में रखोगे, आर्मरी में रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है मुकेश, उसका आंसर वन होगा। चलिए आई थिंक ये भी समझ में आ गया। देखो ये चार लिखा हुआ है, ये सोलह लिखा हुआ है, तो बेसिकली अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा, चार प्लस चार कितना हो गया, आठ हो गया। इसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसका भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, आप उन दोनों का ऐड कर लेते हो तो 24 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करना है, आप इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही 31 होगा इसका आप तीन गुना कर दो तो आपको 93 मिलता है, ठीक है। 42 और 2 का आप सम करोगे, सम करोगे तो कितना आएगा, 44, 44 का आप जैसे ही तीन गुना करोगे तो 132 आएगा। सिमिलरली देखो चार और पांच का हम सम करते हैं तो 9, 9 का तीन गुना 60 नहीं होता,
पांच और 29 का सम करने पे ये भी नहीं बन रहा है। ये देखो ये कितना है आपके पास में, 7 और 3 10, 10 का आप 3 गुना करोगे तो 30 आएगा, तो इसलिए उसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आज ज्यादातर ऑप्शन के आंसर या तो क्या है भी 4 आया हुआ है या फिर आपके पास में 1 आया हुआ है। दो वाले तो खैर कमी थे। देखो पी यहाँ पर दिख रहा है, पी यहाँ पर दिख रहा है, पी यहाँ पर दिख रहा है, तो आंख बंद करके आप यहाँ पर पी ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, तीन ऑप्शन में, तो आप आंख बंद करके यहाँ पर आर भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्यू दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, तो आंख बंद करके आप क्या कर दो भी, क्यू भी डाल दो यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास में, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, आप ऑप्शन की हिंट लेके करो इसको, एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। भाई जो स्पैरो होती है वो कहाँ पर रहती है, वृक्ष पर रहती है, काओ बीच पर रहती है क्या, फिश पानी में रहती है, ज्यादा सही चल रहा है ऑप्शन नंबर 2। हाँ अब इसमें क्या लगाया आपने, देखो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाइजीन लिखा हुआ है, एच वाई तो सब में चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, ड्रॉ डी आया है, पहले तो डी ही वाला बनेगा, तो डी में भी क्या हो रहा है, आरओ आरओ सब में ही चल रहा है। अब देखो आरओ के बाद में क्या है, यहाँ पर ई है, तो पहला तो यही होगा आपके पास में 3rd वाला, तो 3rd से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये हट जाएगा और फिर 5 है, ठीक है, 1 है, 5 के बाद देख लो कि पहले 1 आएगा, 5 तो देख करना ही नहीं, 1 और 2 में चेक करो पहले क्या आएगा आपके पास में, पहले 2 आएगा, तो ये हट जाएगा, फिर ये 2 वाला तो यही बनेगा ऑप्शन नंबर 3rd, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड मुकेश, 3rd है इसका। चल इसको बनाया जाए, देखो ए आपके पास में क्या है, एक हालांकि मुझे मेजोरिटी दिखाई दे रही है कि सी 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 से आंसर हो सकता है, सी से ही कुछ हो, ठीक है, वो मेजोरिटी बोल रही है, बाकी हम लोग बना लेते हैं। देखो ये कितना था भी, 1 था, मतलब आप इसको लिख सकते हो 27, इसको 21 लिख सकते हो, इसको 15 लिख सकते हो, इसको 9 लिख सकते हो, तो नंबर क्या हो रहा है, 6, 6 से कम हो रहा है, तो 6 से कम होने पर सी ही बनेगा, ठीक है, वो तो मैंने आपको बस वेरीफाई कराया है। फिर नेक्स्ट आप कर लो चेक, सी से 3 है और 3 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको 29, 29 से 26 बन रहा है, 26 से 23 बन रहा है, 23 से 20 बन रहा है, तो 3-3 कम हो रहा है, तो कितना बन जाएगा, क्यू वाला, तो बस सी क्यू वाला आंसर बनेगा, तो ये हट जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर का भी 4 है। क्या बात है, आज सब आंसर 4 ही क्यों आ रहे हैं। चलिए
इस केस में आप बस प्लेस वैल्यू लिख लो, जैसे कि यह 16 है, ये 19 है, ये 22 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 19 है, 14 है, 17 है, 20 है, फिर क्या है, 17 है, 20 है और 22 है। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो 3 की कमी है, यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी है। अच्छा, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है और यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, इसका भी 4 ही बता रहे हो। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 में आपने 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, लेकिन यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, तो इसकी वजह से आंसर इसका भी 4 हो जाएगा। क्या बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। होस्ट को आपने क्या लिखा हुआ है, ओ एन कुछ समथिंग लिखा हुआ है, होस्ट को आपने लिखा हुआ है ओ एन जी सी बी, अबाइट को आपने ये लिखा है, तो रूल्स का कोड हमसे पूछ रहा है। बनाओ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर सकते हो, लॉजिक इसका लिख सकते हो, अगर आप छापा भी नोट करते हो अपना। देखो पहले इन्होंने घोष लिखा है जी ओ एस टी, ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इसका अपोजिट लिखा, इसका अपोजिट टी होता है, इसका अपोजिट एस होता है, इसका अपोजिट एल होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, एच होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, जी होता है। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, इसकी 12 है, इसकी 8 है और इसकी 7 है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको देखो ओ बनाने के लिए मतलब 15, मतलब 5 यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से भी 5 ही निकाला, 14, 14 मतलब n होता है, तभी यहाँ पर 14 भी आया है। मतलब देखो ये ओ लिखा है, ये n लिखा है, इसमें से 5 माइनस करोगे 7, 7 का मतलब g हो गया, इसमें से 5 माइनस करोगे तो 3, 3 का मतलब c हो गया, और इसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास में, 2, 2 का मतलब g, समझ में आ रहा है। तो आपको रूल्स निकालना है, तो पहले रूल्स का आप अपोजिट लिख लो, R का अपोजिट क्या होता है, I होता है, U का अपोजिट क्या होता है, F होता है, L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, E का अपोजिट V होता है, S का अपोजिट H होता है। इनकी प्लेस वैल्यू आप लिख लो एक बार, ताकि आपको क्लियरिटी आए थोड़ा सा कि ये होता है। अब इसमें से 5 माइनस करो, जैसे ही 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 का मतलब D होगा, इसमें से 5 माइनस करोगे तो A आएगा, इसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 10 का मतलब J होता है, 5 माइनस करोगे तो 7 मतलब कितना आ गया आपके पास में, Q आ गया, फिर 5 माइनस करोगे तो 3 आएगा मतलब सी आएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ये थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भी यहाँ से? तो चलिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, वो आप ये होमवर्क में ले लेना, ये वाला होमवर्क में हो जाएगा क्वेश्चन, ये वाला भी आपके पास में होमवर्क में हो जाएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आपके पास में होमवर्क में हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन और ये 4th क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, ये सब होमवर्क में, ठीक है, और ये 7वां क्वेश्चन। तो ये HW है और ये भी आपके पास में एक होमवर्क में ही है, ठीक है। तो ये 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, मैक्सिमम मैंने कोशिश करी है कि आपको करा सकूं, इस स्लाइड में हो सकता है अभी लमसम 45 के आसपास इसमें क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैंने 30-35 तो क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी आपको क्या है, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ पर मिलेगा, आप टेलीग्राम पर जाओ, सर्च मारो EduForTech, ये लोगो दिखेगा, इस लोगो पे चले जाओ सीधा, और यहाँ से क्या कर लो, यहाँ पर इस चैनल से कनेक्ट हो जाओ। आपको सारी की सारी क्लासेस जो है, जो भी हमारी सीरीज चल रही है, या फिर यूट्यूब पे मैं जो भी क्लास देता हूँ, चाहे वो मेरे मैराथन सेशन है, आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये आपको सब मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो भी होमवर्क है आप क्या कर सकते हो, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब देखो कल आपकी जो ये 8 बजे वाली क्लास है, कल ऑफ रहेगी, मेरी वाली क्लास ऑफ रहेगी, है ना, मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, मतलब कह सकते हैं कोई अर्जेंसी है, लेकिन परसों हमारी फिर से क्या होगी, शाम को 9 बजे, मतलब शाम को क्लास होगी 8 बजे। तो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा,